दोस्तों, अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं, तो आपने दुनिया के नंबर वन स्पिनर कहे जाने वाले मुरलीधरन का नाम तो सुना ही होगा। इनके फैन सिर्फ श्रीलंका में नहीं है बल्कि भारत में भी बहुत है। और आज भी मुरली आईपीएल में एक बॉलिंग कोच की तरह भारत के कई यंगस्टर्स की मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो समय भी आ गया था जब मुरलीधरन का करियर संकट में पड़ गया था। ये वो साल था जब मुरलीधरन को डेब्यू किए कुछ ही वक्त गुजरा था, और एक सोची समझी साजिश के तहत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और उनके अंपायर्स ने मुरलीधरन का करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी। जब ये उनके कैप्टन राणा तुंगा ने देखा तो उनसे नहीं रहा गया, और गुस्साए राणा तुंगा ने बीच में ही मैच रोककर अपनी टीम को फील्ड से बाहर जाने के लिए कहा। क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था और आज तक दोबारा कभी नहीं हुआ। क्या था ये पूरा वाक्य, जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है 1995 की श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, जिसके पहले मैच में अंपायर डैरिल हेयर ने मुरलीधरन के बॉलिंग करते ही उसे नो बॉल करार दे दिया। मुरली को लगा कि शायद वो ओवरस्टेप कर गए, लेकिन उन्हें अंपायर ने बताया कि उन्हें चकिंग के लिए नो बॉल दी गई है। उस वक्त आईसीसी का ये रूल था कि कोई भी बॉलर अपनी आर्म एक बार मोड़ने के बाद उसे सीधा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो डिलीवरी लीगल नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आर्म मुड़ी है या नहीं, ये डिसीशन पूरी तरह से अंपायर के ऊपर है। और अंपायर डैरिल हेयर तो जैसे उस दिन हाथ धोकर मुरली के पीछे पड़े थे। एक के बाद एक जब मुरली के कई बॉल्स को उनके एक्शन की वजह से नो बॉल करार दिया गया, तो कप्तान राणा तुंगा ने मुरली को दूसरे एंड से बॉलिंग करने के लिए कहा। लेकिन डैरिल हेयर फिर भी अपने एंड से नो बॉल देते रहे। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और एक एम्पायर दूसरे एंड से नो बॉल दे रहा हो, जिस वजह से लोगों को शक हुआ कि इसमें शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और एम्पायर की मिली भगत है। क्योंकि मैच के बाद श्रीलंकन टीम ने एम्पायर से इस बारे में बात करने की गुजारिश की थी, जिसकी परमिशन आईसीसी ने दे दी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या एसीबी ने इसे मना कर दिया। इसके बाद दूसरे मैच में भी मुरली को रोका गया, लेकिन इस बार एम्पायर थे एमर्सन। इस वाक्य की सबसे मजेदार बात यह है कि डैरिल हेयर ने मुरली को ऑफ स्पिन के लिए नो बॉल दी थी, जबकि एमर्सन ने मुरली को लेग ब्रेक के लिए नो बॉल। अगर आपने क्रिकेट कभी खेला है तो आप जानते होंगे कि किसी भी इंसान के लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो लेग ब्रेक डालते हुए अपनी आर्म सीधी कर पाए, लेकिन पावर एम्पायर के हाथों में थी। बहुत सालों बाद क्रिकेट के ओरिजिनल भगवान सर जॉन ब्रैडमैन ने दोनों मैचेस की एम्पायरिंग को अब तक की सबसे बुरी एम्पायरिंग का, जबकि ब्रैडमैन खुद ऑस्ट्रेलियन थे। खैर, इस प्रसंग के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अगले मैच में मुरलीधरन को नहीं खिलाया और वो ये सीरीज 3-0 से हार गए। इसके 3 साल बाद श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ एक ट्राई नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए फिर से 1999 में ऑस्ट्रेलिया आ गई। अब तक मुरलीधरन के एक्शन को आईसीसी की सारी टेस्टिंग में पास कर दिया गया था और इसे पूरी तरह से लीगल बताया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही एसीबी से लेकर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मुरलीधरन पर क्रिकेट की स्पिरिट को खतरे में डालने के आरोप लगाने शुरू किए। हर दिन मुरलीधरन उनके कप्तान राणा तुंगा के बारे में नेगेटिव खबरें छापी जाती थी। पूरा देश मिलकर दो क्रिकेटर्स के पीछे पड़ा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले श्रीलंका के मैच में फिर से एक बार इमर्सन को अंपायर बनाकर भेजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैच से एक दिन पहले इमर्सन को एसीबी ने एक मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे कहा कि वो उन्हीं स्टैंडर्ड पर एम्पायरिंग करें जो उन्होंने पहले सेट किए। एक तरह से एसीबी इमर्सन से ये कह रही थी कि बोर्ड चाहता है कि वो मुरलीधरन के एक्शन को गलत ठहराए और उसे नो बॉल डिक्लेयर करें। ये एक मेजर कंस्पिरेसी है और एक तरह से मैच फिक्सिंग के ही दायरे में आता है। और एक रात पहले डिसाइड हो चुका है कि एक बॉलर जो भी बॉल डालेगा वो नो बॉल डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया के टॉप 3 पावरफुल क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है और उसके खिलाफ कार्रवाई का रिस्क आईसीसी नहीं लेना चाहेगी। पर क्या इस बात के बाहर आने के बाद बोर्ड पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब लौटते हैं कहानी की तरफ। अगले दिन इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में मुरलीधरन बॉलिंग के लिए आए और एमर्सन ने फिर से एक्शन के कारण नो बॉल देनी शुरू कर दी। इस बार श्रीलंकन कैप्टन राणा तुंगा से नहीं रहा गया और वो एम्पायर के पास झगड़ने पहुंच गए। उन्होंने उन्हें आईसीसी की रूलिंग का हवाला दिया और बताया कि जब आईसीसी उन्हें क्लियर कर चुकी है तो इमर्सन को क्या परेशानी है। लेकिन इमर्सन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उन्हें तो एसीबी का समर्थन प्राप्त था, आखिर वो पीछे क्यों हटते। इसके बाद राणा तुंगा ने वो किया जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ, उन्होंने जाकर इंग्लैंड के प्लेयर्स को गुड बाय कहा और वो अपनी टीम को लेकर ग्राउंड से बाहर निकल गए। एम्पायर्स, स्पेक्टेटर्स और कमेंटेटर्स तीनों शॉक थे कि ये क्या हो रहा है। एम्पायरिंग करते हुए इयान बॉथम ने राणा तुंगा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राणा तुंगा गलत है, उनका ये फैसला बिल्कुल सही था।
राणा तुंगा ने एक चालाकी ये की थी कि वो खुद तो ग्राउंड से बाहर चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को बाउंड्री रोप से पीछे रहने का निर्देश दिया था ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे। हड़बड़ी में मैच रेफरी को आना पड़ा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के बीच फोन पर बात हुई और जल्दी समस्या का समाधान निकाला गया। अंत में बात ये हुई कि मुरलीधरन अगर सिर्फ लेग ब्रेक्स डालेंगे तो उन्हें नोबल नहीं दी जाएगी। राणा तुंगा मान गए, लेकिन मुरली के पास जाकर उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे बॉल डालनी है वो डाले। इस बात को और भड़काने के लिए और इमर्सन को सबक सिखाने के लिए राणा तुंगा ने मुरली को उसी एंड से बॉलिंग करने के लिए कहा जहाँ पर इमर्सन खड़े थे। मुरली ने लेग ब्रेक और ऑफ स्पिन दोनों डाली और इमर्सन कुछ ना कर पाने और अपने अपमान के कारण इतने गुस्से में थे कि वो मुरली में बाकी गलतियां निकालने लगे। उन्होंने कहा कि मुरली का स्टार्टिंग मार्क विकेट के बहुत ज्यादा पास है। इसके बाद राणा तुंगा इमर्सन के पास गए और उन्होंने बोला कि एम्पायर हो एम्पायर ही बने रहो, कैप्टन मैं हूँ, मेरा बॉलर वहीं से बॉलिंग करेगा जहाँ से उसका मन करेगा। इमर्सन चुप हो गए। उस दिन के बाद मुरली को कभी किसी और अंपायर ने परेशान नहीं किया। लेकिन हमेशा दोस्तों सही के लिए लड़ने पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। राणा तुंगा को भी नहीं मिला। राणा तुंगा को अगले 6 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया और उनकी 75% मैच फीस भी काट ली गई। लेकिन एक बहुत छोटा सा प्राइस था वो पाने के लिए जो श्रीलंका ने इसके बाद पाया। ये राइस था मुरलीधरन का। मुरलीधरन को इस एक इंसिडेंट ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुरलीधरन ने अपने करियर में 800 विकेट्स लिए और वो आज तक दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अकेले अपने दम पर श्रीलंका को कई मैचेस जिताए हैं। इस इंसिडेंट के ही साल में वर्ल्ड कप भी था और श्रीलंका पहली बार राणा तुंगा की कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप भी जीती। इस मैच की बात की जाए तो जिस मैच में मुरली की वजह से राणा तुंगा ने ग्राउंड से जाने का फैसला किया था, उसी मैच में जीत के लिए विनिंग रन्स खुद मुरलीधरन ने मारे। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।